सरकारी स्कूल में शिक्षक दिखाते हैं छात्राओं को अश्लील वीडियो। मामा तुम्हारे राज्य में ये क्या हो रहा है? अब तो आपकी लाडली भांजिया सरकारी स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। संपूर्ण समाज और शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुलैथ से आ रहा है, जहाँ कुलैथ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए सरकारी स्कूल सुरक्षित नहीं है। इस स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक भी अपनी मर्यादा भूल कर छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखा रहे हैं। शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। घटना जिले के लांच थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुलैत के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्रा ने अपनी ही शिक्षिका पर उसे गंदी गंदी बातें करने एवं डर्टी वीडियो दिखाने की शिकायत की है। छात्रा के आवेदन पर पुलिस ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं शिक्षक ब्रजेश पर पॉस्को एक्ट एवं SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है। विद्यालय की शिक्षिका यहीं तक नहीं रुकी, शिक्षिका का बालिकाओं से शिक्षक ब्रजेश से अकेले में मिलने की बात भी कर रही है। पुलिस ने शिक्षिका मीना जाटव एवं शिक्षक ब्रजेश राजपूत पर प्रकरण पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। नाम बेटा आपका? क्या बात हुई बेटा? सर ये बात हो गई, मतलब कि हमसे ही पूछती थी कि गंदी गंदी बातें पूछती थी और आपको दोस्ती करना हो तो हम करवाएंगे आपकी दोस्ती। सर हम दोस्ती हैं, मैं जानती हूँ क्या। कौन कहता है आपसे? मैम कहती है आपकी? क्या नाम है आपकी मैम का? किससे बात कराती हैं ये? एक सर है। अच्छा, आपने माता पिता को कब बताया? आपने माता पिता परसों बताया? आपका हमारा ये क्या बात हुई यहाँ पे? यहाँ पे जो लड़कियाँ से पूछो उनके संग में बहुत गलत गलत काम हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ जानकारी हो आपको? मैडम है जो प्रिंसिपल, हाँ, जो मतलब जिनको पैसा का लालच दे रहे हैं अच्छी है। हाँ। के और जो भी चीज के जासा बात करो वासा बात करो, मतलब गलत मतलब धमकी भी दे दिया अगर तुम घर के हो पर बम बताई तो नाम काट दी। अच्छा, सब बच्चों को सब बच्चों के साथ कहती हूँ। अपनी आप लोगों को कैसे मालूम पड़ी? घर में बच्चों ने आपसे कहा? हम नंबर देंगे, डॉट देंगे, कॉपी देंगे, भाई पास कराएंगे और अगर तुम नहीं मानोगी तो हम टीसी काट देंगे। आपकी बच्चियों की उम्र कितनी है? 12-13 साल की। सर ऐसा अन्याय हम नहीं सह पाएंगे और ऐसा अत्याचार यहाँ पर रहेगा। अगर आप हमारी कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं हुई इस पर तो बिल्कुल अत्याचार नहीं सहेंगे हम, यहाँ से और भी लंबे बढ़ जाएंगे। क्या बात होगी, बात बताओ। बात ये है कि ये मैडम लड़कियों से बात वगैरह कराती है और बोलती है कि आप इससे बात कर लो, आप हमारा ही खर्चा उठाएंगे। लड़कियों से बोलती है मैडम। किससे बात करूँ? किसी से लड़के से बात कराती है वो सर। अच्छा, ये कौन कौन कहता है ये बात? मैम बोलती है। मैम का क्या नाम है उसका? मीना मीना मैडम बोलती है अच्छी से हमारी। हाँ। कि आप कौन सर? ब्रजेश सर से बात करिए। नंबर दिया उनने नंबर दिया है और भी कोई XYZ होगा उसमें। हाँ। किताब फ्री आपका पूरा स्कूल खर्चा। धमकी भी दे दी? हाँ, वो ऐसा धमकी ही मानी जाए इसको। अगर ऐसा अत्याचार रहेगा, इसके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उसका हमीश हम दंड देंगे फिर उसको, फिर हम आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आए जानकारी ऐसी संज्ञान में आई है, पुलिस में भी इसकी FIR की गई है, पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही है और हम भी इसमें अपने स्तर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी से जांच करा रहे हैं इसके संबंध में। सर अभी जांच के बाद जो निकल के आएगा विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और शेष चूँकि परिजनों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है तो पुलिस अपना काम कर रही है।